जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है कैनवा की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन ऐप है और इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आपको ए टू जेड जो चीज़ें हैं इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप एक अच्छा डिज़ाइन, कैसे आप एक पोस्ट या आप थंबनेल वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड है यूट्यूब्स के लिए ग्राफिक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा मटीरियल, तो वो हम इसमें किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आज 22 जुलाई है तो आज हमारा इस कैनवा सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, इसको स्टार्ट करेंगे ताकि आप ऐसे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो फर्दर आने वाली सीरीज़ की वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली बाकायदगी से आप उसको देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं कैनवा सीरीज़, जो मैंने प्ले स्टोर से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और ये हम इसको ओपन करते हैं। जी कैनवा ओपन हो रहा है। जी करंटली हम इसके होम पेज पे हैं। इसका जो ओवरव्यू देंगे आपको कि इसमें आप कर क्या सकते हैं, किस तरह से पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल है, ये चीज़ें आज जस्ट बेसिक इंट्रो होगा इसका कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। सो इंशाल्लाह जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है, याद रखिएगा ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि किस तरह से ये डिज़ाइन होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो आपको इस ऐप को हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं। जो हम स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें है क्या। करंटली हम होम पेज पे हैं। होम पेज पे आपको ऊपर देख नज़र आ रहा होगा यू मोबाइल वीडियोस बना सकते हैं, स्टोरी डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, फोटो कॉलेज, ये सारी चीज़ें आप इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो आपको ये ऊपर पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है, फ्लायर्स हैं। इसमें आप अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। सो हम बेसिकली जो मोबाइल वीडियो डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ उस पर हम वर्क करेंगे। अभी करंटली हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आपने कोई कंपेन रन करनी है, एड रन करनी है, तो आप इसके ज़रिए फेसबुक किसी भी जगह पे आप इस इधर से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आपको एक क्या कहते हैं कि ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, पर्पसफुल ट्रैफिक जनरेट करने में भी हेल्पफुल रहेगा। जितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन होता है उतनी पर्पसफुल क्या होती है, आपकी ऑडियंस, आपके विजिटर्स बनती है, विजिट करती है आपके पेज, जिस चीज़ को भी आप प्रमोट कर रहे हैं या जिस पर वर्क कर रहे हैं, आपका पेज है या ग्रुप है। सिमिलरली लोगो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट है, कोई फिज़िकल शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है, कुछ भी है, तो आप इस पे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो इसमें भी हम देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से हम इसके जो इसमें जो फर्दर गैजेट्स वगैरह हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम एक मीनिंगफुल आउटपुट इस ऐप के ज़रिए ले सकते हैं। सो आप स्टोरी डिज़ाइन कर सकते हैं, ट्रेंडिंग में है, जैसे कि आप फेसबुक पेज के लिए स्टोरी लगा रहे होते हैं, किसी भी जगह पर, इवन क्या व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे। फ़ोटो कॉलेज, ठीक करें, फेसबुक पोस्ट हम डिफरेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंटली ओपन होने जा रहे हैं स्कूल, ठीक है ना, यानी कि जो समर वेकेशन के बाद हैं स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो हमें एक फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करना है कि स्टूडेंट्स को हम वेलकम करें कि अब दोबारा स्कूल आ रहे हैं, तो यानी कि वेलकम बैक स्टूडेंट्स की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को इसमें देखते हैं, डिज़ाइनिंग के प्रोसीजर पर हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्क करेंगे। अभी जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया जा रहा है कैसे है। सो आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव भी है। अब इसमें मॉडिफिकेशन आप अपने लिहाज से कर सकते हैं, ए टू जी जो चेंज करना चाहें, कलर, पिक्चर्स, एलिमेंट्स, कुछ भी आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इसमें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। ये आपको सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे जो सिलेक्टेबल हैं, यानी कि अगर सिलेक्टेबल है तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हम वन स्टेप बैक मूव करते हैं, अगेन होम पे आगे। जी तो अभी हमने बात की थी, फेसबुक पोस्ट को देख रहे थे, ठीक है। आप फ्लायर्स वगैरह हैं, फोन वॉलपेपर हैं, जो आप मोबाइल पे वॉलपेपर्स के लिए भी आप इसका डिज़ाइन कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक। फेसबुक कवर्स पेजेस के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इधर से इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप क्राफ्ट वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक सूटेबल रहेगा कि ये आपको इस जो है इसको यूज़ करें, इस पिक्चर का यूज़, इसमें भी एलिमेंट्स एडिटेबल होंगे, ठीक है जी। सो अगेन होम में मूव करते हैं,
बेसिकली आज का लेक्चर जस्ट इंट्रो से रिलेटेड होगा। इसमें हम कर क्या क्या सकते हैं, जो इसमें प्रॉपर वर्क है वो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उस पर वर्क करेंगे। सो अगर हम नेक्स्ट मूव करें, फेसबुक कवर्स की बात होगी, ठीक है, रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड आपके ब्रेकफास्ट में यानी कि सारे मेन्यू वगैरह जो आप उसमें कर सकते हैं। इनविटेशन पोर्ट्रेट्स हैं, इंटरेस्टिंग है, वेडिंग के लिए है, कोई इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसके लिए इनविटेशन भेजना है, तो आप इधर से एक अच्छा अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक आप क्या कह सकते हैं, एक अच्छा सा इन्विटेशन कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल। अच्छा, बेसिकली मैं इधर थोड़ा सा इसको रोकता हूँ, एक चीज़ बात बताने की ये है कि आप इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। बेसिकली ये अर्निंग पर्पज़ के लिए हम कह रहे हैं, तो आप जैसे ये फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल, तो आप इसकी गिग बनाएं फाइवर पे जाके, तो आप उधर इसको अपनी जो स्किल है उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं कार्ड्स के लिए, ठीक है जी। बिजनेस कार्ड के लिए आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको डिज़ाइन करें, प्रोफेशन के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक इसको क्या कर सकते हैं कि चेंजिंग ला सकते हैं। तो आप इसके भी बिजनेस कार्ड के भी गिग बना सकते हैं, सर्टिफिकेट्स के गिग बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल आप जो शॉर्ट इंट्रो देने के लिए, आप उसमें अपना पोर्टफोलियो बताने के लिए, या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं इसमें, उसके लिए आप प्रेजेंटेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। मोस्टली यूट्यूब के लिए आप शॉर्ट वीडियो भी इधर से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट पर आपको उस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। अच्छा, टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम शॉर्टली ज़रा स्पीड से इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। सीवी डिज़ाइन के लिए है, ठीक है जी। सीवी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसकी, आप सीवी से रिलेटेड भी एक अलग से आप गिग बना सकते हैं फाइवर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इससे रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि हम ये अपनी जो स्किल हैं किस किस कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं, कैसे हम उनसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। यूट्यूब बैनर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं ताकि एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपकी अच्छी लुक बने, जो विजिटर है वो आपके वर्क को देखने इंस्पायर हो, दूर से ही वो उसे अट्रैक्शन बनती है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इसके बारे में मैंने आपको बताई। जैसे कि मैं मोबाइल वीडियोस के बारे में कह रहा था कि आप शॉर्ट वीडियो इधर से जनरेट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, आप जो काम करना चाहें वो उस पर ईजिली कर सकते हैं। ये मोबाइल वीडियो के मुख्तलिफ हमारे पास सैम्पल्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल वीडियो में अगर हम ये वाला करते हैं, शॉपनो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको प्ले करते हैं, तो आपको कुछ जस्ट ये लुक होगी। आप इसमें मॉडिफिकेशन चेंजिंग कर सकते हैं, हम इसमें अभी कुछ भी ऐसे चेंजिंग नहीं कर रहे, जस्ट अभी हम इंट्रो पे हैं, आप जो कुछ राइट ऑन करना चाहें वो कर सकते हैं। ये नीचे सारा कुछ इसी पर्पज़ के लिए होगा। अगेन हम होम पेज पे जाते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो हमारा होगा, जो हमने रिसेंटली वर्क किया होगा, जो अभी रिसेंटली हमने काम किया वो होगा, परचेज ये चीज़ें अपलोड्स वगैरह हैं, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोल्डर्स आप बना सकते हैं अलग से, फॉर एग्जांपल लोगों के लिए अलग बना लें, पंपलेट्स के लिए अलग बना लें, विजिटिंग कार्ड्स के लिए, जो जो आप काम कर रहे हैं उस चीज़ पर आप कर सकते हैं। आगे कैनवा प्रो रिकमेंड करूँगा कि परचेज़ कर लें, बेहतर है, आपको फीचर्स हाईली मिल जाते हैं, वर्क मोस्ट ईजी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ रिमेंबर रखिए, अगर परचेज़ नहीं करना चाहते तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर प्रोफेशनली आपने काम करना है तो आपको बेहतर है कि आप इसको परचेज़ कर लें। मैंने अलग से न्यू अकाउंट पे कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये मेरा भी परचेज़ नहीं है। गेट 14 डेज़ फ्री ट्रायल आ रहा है, तो क्योंकि मैंने अलग से वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए अलग मेल से इसको मैंने इसका साइन अप किया हुआ है। इधर आपके टेम्पलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, और आपका जो जो क्रिएटर टीम है इधर, यानी कि जब आप एक ही प्रोजेक्ट पे डिफरेंट्स लोग वर्क कर रहे हैं तो आप क्रिएटर टीम कर सकते हैं, यानी कि आप टीम बना सकते हैं, उन टीम मेंबर्स के साथ मिलके काम शेयर कर सकते हैं, और शेयरिंग वगैरह हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसको भी इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये है, ऊपर अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, वीडियो, मार्केटिंग, यानी कि सब कुछ दिया हुआ है इसमें ए टू जी। हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जो ज़रूरत है डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर, वो उन चीज़ों को हम सभी को कवर अप कर सकते हैं।
ऊपर एक हमारे पास है सर्च ऑप्शन है, इसमें आप डिफरेंट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर सर्च करते हैं समर सेल, इससे रिलेटेड हमें क्या मिलता है, अभी हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं मिला, जस्ट समर को सर्च करते हैं। वही अच्छा, टेम्पलेट्स पे जाएंगे हम, उस तरफ जा रहे थे, समर सेल को सर्च करेंगे। ये आपको नीचे सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होना शुरू हो गई, यानी कि आप वो एक ही चीज़ ढूंढने से बेहतर कि आप डायरेक्टली इधर से आप चीज़ों को देख लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप सर्च कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा खासा मटेरियल आ चुका हुआ है, हम अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें से जो पिक करना चाहें वो पिक कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों पे सारा वर्कआउट कर सकते हैं। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फर्दर जो इस सीरीज से रिलेटेड या अदर जो वीडियोज़ आती हैं आप उस पर उन वीडियोज़ तक रसाई आपकी आसान हो जाएगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक आप इन चीज़ों को देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रॉपरली हर जो कैटेगरी है उस पर एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और ए टू जेड इंशाल्लाह इन चीज़ों पे वर्क करेंगे।